का बिल। ओहो अच्छा, थोड़ी देर बाद में। तो फिक्र मत कर, मैं शो शुरू कर देता हूँ। तू कहाँ है? अब्बास मस्तान के साथ लॉन्ड्री में गया? उनके कपड़े मिक्स हो गए? अरे दुनिया जानती है अब्बास मस्तान के कपड़े मिक्स हो ही नहीं सकते, सिर्फ व्हाइट ही तो होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं शो शुरू करता हूँ। ओके हाय गाइस, दैट वाज कपिल। वो थोड़ा सा डिलेड है तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया जब तक वो अब्बास मस्तान साहब के साथ भरत लॉन्ड्री से वापस नहीं आते आज का शो मैं शुरू कर दूं। बहुत टाइम से, 20 साल से मैं टीवी पे हूं तो हमेशा एक ही चीज कहता था, वो बाग भी क्या जिसका माली नहीं, वो घर भी क्या जिसमें घरवाली नहीं, वो होंठ भी क्या जिस पर लाली नहीं, और कॉमेडी विद कपिल नाइट्स में वो महफिल भी क्या जिसमें साजिद खान के लिए ताली नहीं। चलिए शो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको सिद्धू जी, सिद्धू जी, जली को राख कहते हैं, बुजी को खाक कहते हैं, और ये जो यहाँ कर रहा है उसे बकवास कहते हैं। मैं वही सोच रहा था। ठोको, ठोको। दोस्तों प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेरा बड़ा भाई फारा खान। कपिल को बोला था चलती दुकान छोड़ के मत जाना, कोई भी आ जाएगा अंदर। Exactly. बोला था कोई भी आ जाएगा। देखो कोई भी आ गया यहाँ पे। और ऐसी कोई शायरी करने से आदमी सिद्धू जी नहीं बन जाते हैं, अगर तेरे को इतनी शायरी करने का शौक है। और सिद्धू जी को करना क्या है, यहाँ बैठ के पूरा दिन हंसना है। बाय गॉड क्या जॉब है सिद्धू जी का यार, कुछ स्ट्रेस ही नहीं है यार, अलग अलग खाली पगड़ी और टाई की मैचिंग करनी है बस, और कुछ नहीं करना है उनको। तो फिर प्रूफ करो कि तुम सिद्धू जी से बेटर हो, 5 तरह की अलग हंसी करके दिखाओ। लो 5 साल में वो एक हंसी से काम चला रहे हैं, मैं पहले दिन में 5 हंसी। फिर भी उसमें क्या है, मेरे साथ बोलो, हा हा, हो हो, ही ही, ठोको ठोको। अरे सिद्धू जी की कुर्सी पे मेरी नजर बहुत पहले से है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये कुर्सी नहीं है, पूरा ये फर्नीचर की दुकान है। वैसे साजिद हम दोनों ये शो आराम से संभाल सकते हैं। एक्चुअली संभाल सकते हैं। अरे तूने कितने शोज किए हुए हैं, मैंने कितने जजिंग शोज किए हुए हैं, हमने बड़ी बड़ी फिल्में संभाली हैं। सब बंद हो गए। मैंने 3,500 से ज्यादा एपिसोड किए, 6 तो चैनल बंद हो गए। 12 ने जिस भी शो को जज किया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शो तो दूर की बात है, वो जजेस भी बंद हो गए। चल कुछ स्टैंड अप भी करेगा? हाँ, ओ यस, सिट डाउन थोड़ी ना। यही अरे यही मौका है ऑडिशन का। अच्छा परफेक्ट 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 परफेक्ट। कपिल की पिक्चर अगर हिट हो गई और तेरी एक और वैसे गई तो तेरे को यहीं आना पड़ेगा, जल्दी कर। जल्दी कर। ओके अब लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि साजिद तू बहुत मोटा हो गया। जी हाँ, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। सच बात यह है कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है पिछले 3-4 महीनों में कि मैं अब रिसेंटली शॉपिंग करने अकेला गया था, उन्होंने मुझे ग्रुप डिस्काउंट दे दिया। आई मेट अ गर्ल रिसेंटली एंड शी टोल्ड मी, साजिद तुम 20 किलो कम हो जाओ मैं तुम्हारे साथ डेट पे आऊंगी। तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं 20 किलो कम हो गया मैं तेरे साथ डेट पे क्यों जाऊं। रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है, दिवाली से लेके अब तक सिर्फ 2 ही पिक्चरें चली, पीके और मेरी सिस्टर की हैप्पी न्यू ईयर। सच्चाई ये है कि सैटेलाइट मार्केट क्रैश हो गया है। तो रिसेंटली एक प्रोड्यूसर आलिया भट्ट, तू हंसा रहा है कि रुला रहा है हमको? रिसेंटली एक प्रोड्यूसर आलिया भट्ट के पास गया, उन्होंने बोला कि देखिए हम पिक्चर का प्राइस आपका कम करना पड़ेगा क्योंकि सैटेलाइट हैज क्रैश। तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड कहां पर, विलेज में या सिटी में, कोई मरा तो नहीं? अरे भाई मैंने क्या काम किया, मैंने फिल्म में सबकी छुट्टी कर दी। कहते हैं सचिन कम साजिद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तेरा दुकान बंद है। साजिद भाई मैंने आपको शो शुरू करने के लिए बोला था, आप तो कब्जा करके बैठ गए। हाँ बट इनका मनोरंजन भी तो करना था। और पारी छुट्टी मेरी नहीं हुई, छुट्टी आपकी भी होगी, उधर देखो जरा। मेरी दुकान बंद? मोहतरमा
ओ मोहतरमा, उठो उठो, ये तो मैं सोफा अपने पैसों से बनवाया मोहतरमा। मैंने कहा था मैच में कमेंट्री देने जाओ, जहां दोगे कमेंट्री वहां बंद होगी आपकी एंट्री। देखो मोहतरमा, हम भी राजनीति वाले लोग हैं, जान दे सकते हैं, कुर्सी नहीं दे सकते। अरे वाह 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 वाह, सिद्धू मस्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बस आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ मैं, थोड़ा वेट कम कर रहा था। मिला ही नहीं साजिद भाई, आप मैं आपको रिक्वेस्ट है आपसे, शो की वजह से मुझे फिल्म मिली है, तो ये शो मेरा प्लीज आप मुझे करने दो आप। हाँ हाँ 100% यार, तुझे तो ये शो की वजह से फिल्म मिली है और मेरी पिछली फिल्म की वजह से मुझे शो करना पड़ रहा है। तो मुझे शो करने दो। ओ एक बार जोरदार तालियां साजिद और फराह के लिए। वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है जो हंसाए रोते हुए इंसानों को, तेरा हुनर ही पूरा कर सकता है तेरे अरमानों को, रौंद के हर बाधा, रौंद के हर बाधा को, बढ़ता जा अपनी मंजिल की ओर, तू साजिद और फरहा की तरह जीत सकता है आसमान। यू नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा डायनेमिक कौन है, स्टेज पर मेरी फारा बाजी या वहां पर सिद्धू पाजी। फरा बाजी तो सबकी बाजी बना देती है गुरु, इनसे इनके साथ मत कंपेयर करो। ये आपको पता है, आपने वैसे ही बात ये बोल दी, लेकिन आजकल सच में बाजी बना रही है। ओ, फारा की दावत है नाम इस शो का, आप जरूर आना, दावत मैं देती हूँ, खाना आपको पकाना पड़ता है वहां। और उससे याद आया, दावत से इतने महीनों से सालों से मैं तेरे शो पे आ रही हूँ, पहली बार गणपति लेके आई थी, सेकंड टाइम अभिषेक बच्चन लेके आई थी, तीसरी बार तू क्या देगा मुझे, कब गिफ्ट विफ्ट को भी कोई देता है कि नहीं कभी? अरे मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ ना, मैं लाया हूँ, मेरे पास है, इसमें है। क्या बात है, पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है कपिल। अरे जब चाबी इसके पास नहीं तो संदूक भी इसका नहीं। दो मिनट रुको, क्या हुआ, क्या है, किसका बैग है? पति बात है, खुल गया। क्या दे रहा है गिफ्ट में? ये देखो, क्या लाया? मैं आपके लिए ऐसा थोड़ी ना, मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा नहीं। दिल बहुत बड़ा है मेरा, ऐसी बात नहीं है, चीजें चेक कर लूं बस मैं। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ये क्या, साजिद और मैं दोनों पहनेंगे? अरे चलो कोई बात नहीं, वैरायटी बहुत है अपने पास, ये ले लो आप। ये देखिए, राजस्थान से खास तौर पे मैं आपके लिए लाया हूँ। वाह तारा, मेरी मेरी पतली कमर को ये आएगा क्या सिद्धू पाजी? इसको टेंट कहते हैं, टेंट। नहीं, इसका फायदा फुल फैमिली के साथ कहीं जाते हो पहना, बाद में और कुछ पहन के इसको चेंज करके इसके नीचे तंबू लगाया और सारी सारी फैमिली अंदर। बड़े फायदे हैं। ये सूटकेस कपिल का नहीं है, I promise you, ये सूटकेस कपिल का नहीं है। घिसा पिटा है लगता उसका या नहीं? सब लेडीज के कपड़े क्यों निकल रहे हैं तेरे सूटकेस? हाँ, ये कौन सी लॉन्ड्री में गया था तू? अब मैं एक्चुअली ना, मैंने ना एक्चुअली रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया। मैंने कुछ फारा की पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ मर्दानी चीज होनी चाहिए। क्या मैं शेविंग किट ले आता हूँ? जब तू फारा की दावत पे आएगा ना, तब देख तेरी किसी बेइज्जती का। क्या बात है, बाद बाद में प्रमोशन, संडे रात 8 बजे। मगर ये तू लाया क्या ये सब चीजें? अरे मेरा बस, ओहो, अपना खुद का एक और बार। ये मेला तू के थे। ये तुमने जो टोली कल के लाया है ना, वो मेला तुझ के थे। मैं बोल रहा था। Excuse me. चोरी मैं चोरी करके लाया। अरे मैं कहा, मैं फ्लाइट से उतरा, वो लंगर लगा हुआ था, ऐसे गोल गोल बेल्ट घूम रही थी, सबको सूटकेस मिल रहे थे, मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये ले आया। मुझे टेक करना पड़ेगा, तब सामान है कि नहीं मिला? सब सामान तो तुम्हारा ट्रक में ना आया, इसमें कहां से?
तुक कलो मैं जैसे तुम जैसे उठाई गलों को जानती हूँ तभी मैं तो तू ये कौन है फलाह साजिद हेलो हेलो फलाह हेलो साजिद हेलो हेलो तुम्हारे सूटकेस में से नहीं निकले हैं हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं कितने भले डायलेक्टल ये तुम्हारे टोल के घर क्या कर ले पहला मुझे मालूम है तुमने हैप्पी न्यू ईयर में बली बली टोली कलवाई थी ये थोती थोती टोली क्यों कलवा ली हो बात तो सही बोल रही है छोटी छोटी चोरियां क्यों कर रहा है अच्छा कोई इम्पोर्टेड सूटकेस नहीं चुरा सकता था मैं ना ये छोटी चोरी है ये दोनों को ही तुम चले जाओ तो अपने आप में शहर बसा सकते हो आप मैं आप दोनों की फिल्म की बहुत बड़ी फैन हूँ आपको दो चाहिए ना मेरे सूटकेस में तो ले दो फ्री है आपके लिए ले दो एक कंडीशन पे आपको मुझे हीरोइन बनाना पड़ेगा एक मिनट इनकी फिल्म में तुझे पता है कौन हीरोइन होती है दीपिका पादुकोण जैसी लड़कियां तुम दीपिका तो कहीं से लग रही नहीं हो हर कौन से पादू लग रही हो बस हीरोइन आएगी देखो सुंदर होने से कुछ नहीं होता टैलेंट होना चाहिए और मुझ में तो टैलेंट कुछ कुछ के भला हुआ है मुझे हीरोइन बनाओ मुझे हीरोइन बनाओ अच्छा एक काम कर इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ तादित मुझे क्यों नहीं हीरोइन बना सकता नहीं 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 आप, तुम मेरे से डबल राम कपूर को हीरोइन बना सकते हो अरे तो मुझे क्यों नहीं बना सकते हीरोइन देखो अगर तुमने मुझे हीरोइन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे पाँव नहीं पलूंगी गले पलूंगी वैसे आपके हीरोइन बनने का चांस बहुत अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज होती है कास्टिंग काउच कास्टिंग का पता नहीं लेकिन आप काउच हो अरे रमेश था मैंने इम्प्रोवाइज किया था और तेरे लिए एक चुटकी ने एक बोरा भर सिंदूर लगेगा आप दिखा दोगे अभी ये मेरे दिन अभर गए हैं एक तो आओ फ्री में शो पे और ऐसे ऐसे नमूनों का डांस भी सिखाओ बारा ऐसा मत बोल तू मत मेरी पिक्चर तो हिट हुई है यार मैं क्यों ये सब एक मेरे को बात नहीं सुन रही आपकी फिल्म हिट हुई है हाँ। मेरी होने वाली है हाँ। आप सिखा दो नहीं नहीं मेरी तेरी फिल्म हिट हुई है तेरी फिल्म हिट होने वाली है मेरी फिल्म बैडली हिट हुई है एक काम कर साजिद कोई भी लड़की का हाथ पकड़ लेता है यही तो फायदा है आदमी की शादी ना हो तो किसी का भी हाथ पकड़ लो शादी के बाद ये फैसिलिटीज कहाँ मिलती पाजी अरे फिर भी यार अभी उम्र हो गई उसको बोलना शादी करने मैं क्यों किसी को गलत सलाह दूं मुफ्त में भी फ्री में तो कुछ नहीं देगा ये ले हजार रुपए ले अरे उसको बोल यार कुछ तो किसी की तो लड़की की तारीफ अरे मैं तो दुनिया भर की बीवियों की तारीफ कर दूंगा हजार रुपए में आप देखो कुछ सिर्फ खुद की बीवी की तारीफ कर पहले इतने में इतने ही थे सॉरी चलो ओके आप ट्राई तो कर कहां चले गए थे आप अरे बाप रे बाप उसको उसके घर पे छोड़ के आया चिड़ियाघर मेरे बात बताओ आप दोनों भाई बहन डायरेक्टर हैं आप दोनों मिलके एक फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करते नहीं 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 हम अकेले ही अपना काम इतना खराब करते हैं साथ में कितना खराब करेंगे एक बार जोरदार तालियां फरहान इसके लिए आप प्लीज यहां पर विराजमान हो जाइए देखो फरहान मैम जब आप पिछली बार आए थे तो हमारे सोफे थोड़े पुराने थे ये देखिए आप और अब मतलब अच्छा अब नए हैं नहीं नहीं सोफा अभी भी पुराना है खाली कवर चेंज हो गया नहीं अभी आज कंफर्टेबल है ना हाँ नहीं तो अदरवाइज तो बच्चन साहब आए थे तो वो थोड़े लंबे हैं ना तो जब बैठ रहे थे तो घुटने ऐसे मुंह के लेवल पे आ रहे थे आज हमारे शो में पहली बार साजिद और फरहान मैम साथ में आए हैं इस बात के लिए तालियां बनती पहले तो और बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमें ये जानने की कि ये बड़े होकर इतने शरारती हैं तो बचपन में कितने शरारती रहे होंगे बचपन में कौन ज्यादा शरारती था फरहान मैम आपके साजिद मैं विद एग्जांपल बताइए क्यों साजिद जब स्कूल में था तो हमें पता नहीं था जब मम्मी को बार बार बुला रहे थे मम्मी वॉज वर्किंग तो मैं गई और मैंने बोला मैं साजिद की सिस्टर हूँ तो प्रिंसिपल ने बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है
तो मैंने बोला सर मैं ही हूँ साजिद की सिस्टर, क्योंकि आई थिंक उसको एक्सपेल करने वाले थे स्कूल से। अच्छा। तो उसने बोला नहीं लेकिन 3 साल से तो कोई और लड़की आ रही है, उसकी सिस्टर है। नहीं, नहीं, तो नहीं। जब लेटर आता था मम्मी को बुलाओ, ये मेरी नेबर को ले जाता था, मेरी मुंह बोली बहन गोगे गोगे सुनीता, उसको मैं सिस्टर बना के ले जाता था। एक बार तो मैंने ये भी ट्राई किया था उसके सर पे चौक लगाऊं ताकि दादी बन गया। और इतना क्रिमिनल माइंड था ना, मैं अभी बोलने को भी शर्म आती है। इसका एक डोनेशन फॉर्म स्कैम शुरू किया था इसने स्कूल में, स्कूल से डोनेशन, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो रोज ही रहता था ये, क्लास में तो था नहीं, तो वहां से 2 डोनेशन फॉर्म जो होते हैं ना बच्चों को भेजते हैं घर घर डोनेशन मांगने, वो इसने चोरी करके जेरोक्स करके एक पूरा ग्रुप बनाया था, पूरा गैंग बनाया था। लड़के बिल्डिंग बिल्डिंग जाके डोनेशंस लेकर आते थे। अच्छा, बट हाईलाइट है सर, मैं बिजनेसमैन था, मैं उनको पूरे पैसे नहीं देता था, कमीशन देता था। लेकिन देखिए क्या होता है जिंदगी में, ह्यूमर का मजा तब तक नहीं आता है जब तक उस ह्यूमर के साथ जुड़ा हुआ एक सैड स्टोरी ना हो। और सच्चाई ये है कि मैं और फारा, हम लोग, हमारे फादर फिल्म मेकर थे, उनके फिल्में जब नहीं चली तो हमने बहुत गरीबी देखी। ऐसा नहीं था कि वो डोनेशन फॉर्म्स के पैसों से मैं अपने लिए कपड़े खरीदता था, सच बात ये है कि ये पिक्चर देखने जाता था उन पैसों से। और घर के लिए राशन खरीदता था, कैन यू बिलीव इट, बिजली का बिल भरता था, क्रिमिनल माइंड था ना। ये सच है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर में इमोशनल हो गया, उधर से ऐसे ऐसे हो रहा है, किसकी मानो। इमोशनल थी लेकिन अभी तक बिजली का बिल जिसने भरा नहीं है। मैंने इसके स्कूल की फीस भरी है फारा की, 3 रुपया साल का। पिक्चर देखने जाता था ये, और हाईलाइट है पिक्चर, एडल्ट पिक्चर देखने जा रहे हैं, सोचो कैसे मार्कर पेन से मुच्छी और दाढ़ी लगा के, कौन मतलब फुल फिल्मी थे शुरू से, बचपन से, बचपन से, और कुछ आता नहीं था, बस फिल्में देखनी फिल्में देखनी फिल्में देखनी। पढ़ाई में फिर मतलब ठीक ठाक ही था काम? ठीक था, ठाक नहीं था, प्रॉब्लम थे कि फेल हुआ 3 बार मैं 10th 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 स्टैंडर्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फरा मैम जो है वो इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में ना? अरे बहुत। नहीं, झूठ। व्हाट डू यू मीन, आई वाज अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। मैं पास की बात कर रही, रेलवे की। ये इतनी कोई खास नहीं थी, अच्छी ठीक ठाक थी। शट अप, आई वाज फर्स्ट, आई टू कम फर्स्ट इन एवरी क्लास। मतलब क्लास में सुबह सुबह फर्स्ट आती थी। गुड मॉर्निंग। एक दिन मेरी रिजल्ट आई और मैं घर बाहर खड़े होकर रो रही थी कि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, आई कांट फेस माई मदर। मेरे नेबर्स ने सोचा मैं फेल हो गई हूँ, मैं सेकंड आई थी। उस टाइम में मैं मतलब अंदर नहीं जा सकती हूँ। आप ऐसी थी कि सेकंड आने पे इतना हाँ सेकंड आई थी, क्यों पूछो क्यों? क्यों? क्लास में 2 ही स्टूडेंट थे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ साजिद भाई कि फरा मैम ने इस बात का फायदा उठाया हो कि मैं बड़ी हूँ? फॉर एग्जाम्पल ऐसे चॉकलेट आई तो उसमें 9 पीस हैं, 5 मैं खाऊंगी, 4 तुम खाओ। आपकी ठुकाई, आपकी ठुकाई भी की कभी? बहुत सिद्धू पाजी, बहुत। वो चिमटा आता है ना 2 किलो का, जिससे गर्म बर्तन उठाती है महिलाएं, हाँ, वो चिमटे से इसने मुझे सर पे मारा, तो आज तक मैं आधा गजनी हूँ। बहुत मारती थी। 1 मिनट, टीवी का डब्बा पड़ा था किसी का बाहर, इसने मुझे डब्बे के अंदर डालकर घसीट के बिल्डिंग की स्टेप्स पे डब्बा रख दिया। तो मैं उतर ही नहीं सकती हूँ कि मैं नीचे की ओर। और आप मानोगे नहीं, उसके 2 महीने बाद वो टीवी कंपनी बंद हो गई। बहुत झगड़े बहुत होते थे हमारे, मतलब काफी शरारती किस्म का बचपन बिताया आपने। शरारती तो नहीं था, तभी इरिटेटिंग था, क्योंकि हर पार्टी और हर डिस्को, मतलब जो होता है ना रात का सोशल डिस्को, मेरे साथ आना जरूरी था। ऐसे क्यों? और मैं लड़कों के साथ अगर डांस कर रही हूँ तो आके लड़कों को धक्के मार रहा है उनके पैर पे। ठीक है, क्या करता हूँ, मेरी बहन के साथ नाचो, ऐसे बोलते नहीं, ये स्टोरी उल्टी बोल रही है। अच्छा, ये अकेली नाच रही होती थी, मैं लड़कों को धक्का मारता, जा मेरी बहन के साथ, कोई इसके साथ नाचने को तैयार ही नहीं था। सच्चाई ये है कि जिसकी बड़ी बहन फारा हो और कोई भाई नहीं हो तो उसे भाई की कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वाकई में फारा ने ना सिर्फ एक बहन का रिश्ता निभाया लेकिन एक बड़े भाई का रिश्ता भी मेरे लिए निभाया। अब मैं इमोशनल हो गई हूँ। और क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे, सुबह सुबह मैं फारा को बिना मेकअप के देखता था तो मुझे बड़ा भाई लगता था। I'm sorry, फारा। मुझे सच में इनकी फैमिली का समझ में कब ये
इमोशनल बात कर रहे हो और किस समय मजाक कर रहे हैं? एक दिन मार पीट के आ गया था घर पे और मुझे जाके वो लड़के की बाइक तोड़नी पड़ी। ये बात सच है? क्या किया? ये बात सच है। एक झगड़ा हो गया था कुछ चार पांच लड़कों के साथ, तो मैं और मेरे दोस्त थे, वो चार पांच थे, 15-16 साल का था मैं। तो जब वापस घर पे आया था तो पूरा चेहरा सूजा हुआ था, खून वून निकला हुआ था। ये इतनी भड़क गई नेक्स्ट डे, मुझे बिना बोले मुझे शाम को पता चला, मेरे दोस्तों ने आके बोला यार तेरी बहन पागल है, उसने चार पांच लोगों के साथ गए, वो लड़के की मोटरसाइकिल तोड़ दी। क्योंकि वो मिला नहीं हमें, रात को हम लोग गए उसको ढूंढने। तो आप अकेली चली गई? मेरे दोस्त ने मेरे को बोला भी तेरी बहन एकदम मर्द आदमी है। ऐसी बहन को प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। तालियां मारो भी। अच्छा ये बात हमने कहीं सुनी है कि साजिद भाई जिस फिल्म को देखने जाते थे उसी लुक में जाते थे जो हीरो की लुक है। एक साल तक वो अर्जुन पिक्चर आई थी ना सनी देओल की, तो बाल भी सनी देओल के ऐसे ही थे ऑलमोस्ट। हाँ। थोड़े तो वो व्हाइट शर्ट टाई और एक वो सरिया लेकर बिल्डिंग में से एक रॉड लेकर ऐसे चलता था और म्यूजिक भी खुद देता था। म्यूजिक भी दे दे साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक खुद देता था। अर्जुन मालवंग है। पागल था यार, मैं पागल था, मैं सिर्फ फिल्में देखता, अभी भी देखता था। लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि कैसा लगता है फारा और तुझे बड़े डायरेक्टर्स हो गए। सच बात यह है कि हम लोगों ने कभी सक्सेस और फिल्में और टीवी पे काम ये सब कभी सोचा नहीं था। हम लोगों को सिर्फ आई थिंक नौकरी चाहिए थी, हमको सिर्फ पैसे कमाने थे क्योंकि हमको बिल्स भरने थे। तो एक के बाद एक स्टेप्स होते गए और ऐसी सक्सेस स्टोरीज होती हैं लाइफ में। आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज ट्रूली इन दिस कंट्री इज सिटिंग हियर, कपिल। मुझे लगा देर को बोलेगा, देर को बोलेगा। टॉप मोस्ट 11 सक्सेस स्टोरी। आप बोलते थे जो भी फिल्म देखने जाता था उसकी लुक लेके जाता था वो हीरो की। आप पीके देखने गए? नहीं, फॉर्चुनेटली मैंने पीके नहीं देखी। अभी वो इतना छोटा रेडियो काम भी नहीं आएगा ना, पूरा पियानो लेके जाना पड़ेगा उसको। वो इसीलिए हमने ये पियानो रखा हुआ है, पूरा पियानो, ग्रामोफोन। अच्छा फरमा मैम एक बात और, आपका और शिरीष का मेल कैसे हुआ? जहां तक जितना मैं आपको जानता हूँ कोई नॉर्मल आदमी तो आपको प्रपोज कर नहीं सकता। नहीं सच्ची बात है, इनके पास फीलिंग लेके जाओ ऐसी की तैसी कर देंगी। फरा आई थिंक आई मीन लव यू, अबे चल बे हटना। तो ये ऐसा एटीट्यूड है इनका। तुम लोग दोनों पहली बार मिले कहां थे फरा? हेयर सलून में? नहीं वो मेरी फिल्म का एडिटर था, मैं हूं ना का। हां राइट। अच्छा हां, तो आपने एडिटर कोई? नहीं वो बहुत हमारे बहुत झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? वो एक शॉर्टकट है, वो बोलता था तुमने शूट नहीं अच्छा किया। तो वो एक ऐसा आदमी था जो मुझे डरता नहीं था मुझे बोलने में कुछ भी। अच्छा अब यही बात मुझे आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो तब अच्छी लगती थी, शादी के 10 साल बाद अब वो बात अच्छी नहीं लगती। तो आपकी ईगो हट, क्योंकि ये क्यों नहीं डरता, इसको मैं फिर शादी करनी पड़ेगी। आप तो इसे मैं दिखाऊंगी इससे शादी कर। अभी चेंज हुए क्या? अभी भी नहीं डरते? मुझे ज्यादातर लोग ऑनेस्ट ओपिनियन देने से डरते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो देयर इज वन पर्सन आई नो विल ऑलवेज टेल मी द ट्रूथ even if it hurts at that time. नहीं बिल्कुल, कई बार होता है ऐसे, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट हाँ दे देते हैं जानबूझ के, वो चीज खराब होती है तो बताते नहीं। जैसे मैंने सारी भाई को बोला मेरे को हमशक्ल बड़ी पसंद आई। तुम लोग दोनों अपना अपना प्रमोशन करो, मेरा शो आ रहा है संडे रात 8 बजे, फरा की दावत, कॉम्प्लीमेंट देते रहो उसे। अच्छा आपके शो में आप जो खाना बनाएंगी जो सेलिब आता है, मैंने देखा आप एक चिकन का पीस पकड़ के बैठी थी, आप मलाइका की मर्जी का कुछ चिकन बना रहे थे। मलाइका ने बनाया मलाइकास हनी ग्लेज़ चिकन लेग। माय गॉड, माय गॉड, कैसे मतलब मसाले रगड़ रगड़ के। अच्छा वो जो आता है गेस्ट आता है वही बनाता है? वो अपना रेसिपी बनाता है। तो आप फिर खाने के लिए बैठी है? मैं भी एक जिसको नहीं आता है, जैसे आलिया भट्ट को गैस शुरू करना नहीं आ रहा था, गैस ऑन करना नहीं आ रहा था, तो इसके दोस्त रितेश और जिनीला वाह क्या मतलब माइंड ब्लोइंग, पानी बॉईल करना नहीं आ रहा था उनको। पानी नहीं बॉईल कर सके वो, उनको पूरी यखनी पुलाव सिखाई है मैंने। हाँ और फिर रितेश ने खाई भी और अब वो ठीक है, अभी आईसीयू से बात करते हैं। स्टमक पंपिंग।
फरहा मैम आपने पूरी इंडस्ट्री को तकरीबन नचाया होगा, आपको क्या लगता है कि आपको फटाफट पिक कौन करता है, सबसे बेस्ट डांसर कौन है? द फास्टेस्ट पिकअप वाज संजय दत्त. संजय दत्त. अच्छा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अच्छे डांसर है, लेकिन वो एक बार देखते थे और वो पिकअप कर लेते हैं. अरे वाह. हाँ, फिर वो उसकी भजिता वो बाद में बनाते हैं जब वो डांस करते हैं. पिकअप उनका फास्ट है. अगर आपको लगता है कि ऋतिक फास्ट है ना, ऋतिक बहुत घुस के परफेक्शन, वो टाइम लेकर छोटी छोटी चीजें वो करता है, लेकिन पिकअप में आई थिंक. और शाहरुख, क्योंकि उसको कोई भी स्टेप दे दो वो यही करता है. तो उसको बेस्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी दे दो. संजू भाई सबसे ज्यादा पिकअप है उनकी. हाँ. तो फिर सबसे खराब कौन है? नहीं, खराब भी वो ही है. मैंने ये थोड़ी बोला वो अच्छे डांसर है. मतलब पिक कर लेते हैं. हाँ. फिर आगे चल फिर के? उसके बाद खराब कर दो. अच्छा, जब आप सब कॉलेज में पढ़ते थे, ये जाती थी कॉलेज वगैरह, तो लड़के ट्राई वगैरह तो मारते? अरे ये मेरे पीछे टॉवल लेके भागता था. टॉवल क्यों? क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट ऐसे स्कर्ट्स पहनकर कॉलेज जाती थी. आपको नहीं अच्छा लगता? और साजिद टॉवल लेके, यू कैन गो आउट ऑफ द हाउस लाइक दिस, ऐसे दरवाजे पे खड़े हो जाता था टॉवल लेके. मैं प्रोटेक्टिव भाई था दूसरे लड़कों के लिए, कि शॉक के मारे हार्ट अटैक से मर ना जाए. कमीनो, अगर मैं आपको अपनी कॉलेज की फोटो दिखाऊंगी ना, एकदम आप दोनों में से लंबी लंबी कौन फेंकता है, आपको क्या लगता है? अच्छा, वेरी गुड. ये देखो, मैं आपको बताऊं, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, हम रहते थे नेहरू नगर सोसाइटी में, छोटी सी पंजाबी सोसाइटी है, बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास. इसने गोदरेज का बंगला उसको दिखाया था और कहा था मैं यहाँ रहता हूँ. गोदरेज का बंगला जू बीच पर, पाजी मेरे को लड़की पटानी थी. और उसको रोज जू बीच पे देखो, और वो बोलती थी अंदर क्यों नहीं जा रहे. नहीं नहीं, मेरी मम्मी तेरे से अप्रूव नहीं करेगी. गोदरेज सोचो, परमेश्वर गोदरेज को इसे मम्मी भी बना दिया था वहां पर. बट लड़की पट गई थी, मामला तो फिट हो गया था. तो बाद में पूछा है, गोदरेज तो खुल ही नहीं रही है. अंदर जा ही नहीं रहे आप. ड्रेसिंग सेंस आपको क्या लगता है कि आपकी ज्यादा अच्छी है कि फरहा मैम की? फारा की. इतना ईमानदार भाई है यार मेरा. देख लो अब कैसे झूठ बोलेगा कोई. कैसे झूठ बोल सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जो आदमी एक टी शर्ट पहन के घूमता था जिस पे लिखा था आई लव जितेंद्र, सालों साल, सालों साल आई लव जितेंद्र, कुछ चार साल वो टी शर्ट ये पहन के घूम रहा था. मैं पूरी तरह से पागल था जब मैंने वो मद्रास का वेव आया था. मैं कुछ 10-12 साल का था. हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, मवाली. और जूते सफेद पहनते थे? सफेद जूते, सफेद पैंट और टी शर्ट जिसपे लिखा होता था आई लव जितेंद्र. और मैं और मेरे दो दोस्त जूबीच पे जाके डांस करते थे. और अक्सर अक्सर लोगों ने पैसे फेंके थे हम पर, और हम बुरा नहीं माने थे. हम पैसे उठा के जाके समोसा वमोसा खाते थे. तो एक बार बोले वही दोबारा. Yes, please. ताकि रे जूबीच का. नहीं नहीं, wait. Call one girl to dance with him, ना? हाँ, आज कोई लड़की. मैं जितेंद्र का डांस दिखा रहा था, रंजीत के रिएक्शन दे रही थी. I was dancing like जीतू जी, not. भाभी जी आप जाइए. Thank you. नहीं, पर आपको पता है उनका टैलेंट एक अलग किस्म का दिखाया. आपने नोटिस नहीं किया? फरहा मैम ने किया होगा, कोरियोग्राफर है वो. उन्होंने उस सिचुएशन में डांस किया जब आदमी को बांध दिया गया हो. हाँ. और यही स्टेप कैसे करना है. अलग किस्म की कोरियोग्राफी. फरहा और साजिद की बातें सुन के आपको ये तो लग ही रहा है कि एक दूसरे की टांग खूब खिंचाई करते हैं. साजिद चाहे भाई छोटा ही हो, लेकिन जब राखी बांधती बहन तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते. आपने आज तक जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा दिया है? सालों साल तक मुझे आठाना देता था ये. आठाना और विद इंस्ट्रक्शन, जा आधा ग्लास गन्ने का जूस पी के. आधा ग्लास आता था, फुल ग्लास आता था. फुल ग्लास भी नहीं दिया. वो कितना अच्छा प्रेजेंट दिया था तुझे मैंने यार. कौन सा? एक साल के लिए मैंने पाजी. ओ नो. मैंने आई थिंक सबसे बहुत बड़ा काम किया था जो दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता है. मैंने एक साल के लिए फारा का सारे बिल्स मैंने भरे, यहां तक कि गाड़ी का पेट्रोल. ये अगर होटल में खाना खाती थी तो वो बिल के पैसे. मोबाइल का बिल,
और मैंने कसम खाई कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और मैं भी नहीं, हर महीने मुझे इतना सारा बिल आया, इतना खाना खा गई तू, मैं बोला कौन बोल रहा है तुझे भरने के लिए खर्चीली। आप शुरू से रही है चाहे नहीं, नहीं, पर्सनल लाइफ हो चाहे फिल्में हो, पैसे ही नहीं थे खर्चने के लिए। अब फिल्में, फिल्मों पे इतना खर्चा क्यों करती हैं? बड़ी बड़ी फिल्में, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं होते हैं, कोई मुझे देता है, खर्चा करो। अगर आप दोनों भाई बहन आज आज की डेट में, ये 80s का माहौल होता, आज की डेट में अगर आप बहन से राखी बंधवाते तो क्या क्या गिफ्ट देते, कैसे करते? मेरे डैड ने एक फिल्म बनाई थी वतन से दूर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, 60s की पिक्चर थी, जिसमें दारा सिंह हीरो थे और उसमें एक सरदार जी कैरेक्टर थे। अच्छा। बहुत फेमस पंजाबी एक्टर थे, तो हम लोग बचपन से वो देखते थे और वो सीन को री एनैक्ट करते थे। वो पिक्चर की हीरोइन थी माला। ओके। सीन ये था कि वहां से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तानी गोली मार रहे हैं। ओके। और वहां पे पानी का कैंटीन वहां पे पड़ गया है। अच्छा। पाकिस्तान के साइड पे, तो जो हीरोइन है वो बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो बोलती है माला पैंड तुम फिक्र मत करो मैं पानी लेके आता हूँ, भाई बोलता है। हाँ। और वो वहां जाता है और उसको गोली लगती है, लेकिन वो कैसे मर मर के पानी लेके आता है अपनी बहन के लिए। अच्छा। ये सीन हम लोग बहुत करते थे, तो यहाँ पे भी होना चाहिए बिल्कुल। And I have to be mala pehn. Yeah, you have to be mala pehn. Chalo, tere liye main mala pehn hi ban jati. Okay, to ye border ke is taraf pani hai. Ha. Aur action bolu main? Ha. Action. Oh, pehn, tu si fikar na kar. Are, maine kuch bola hi nahi hai, roko pehle bolne de. Pehle bolne de. Meri problem kya? डायलॉग खत्म कर गला सूख रहा है, प्यास लगी है, मुझे वो पानी ला दो। तुसी फिकर ना करो माला पैन, मैं तेरे लिए बॉर्डर पार करके उस कैंटीन को इत्थे लाता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ तो गोलियां चल रही हैं। यार तू मर रही है कि तू नींद से उठी है? अच्छा अच्छा, चल वापस और आगे। नहीं नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तुसी फिकर ना करो माला पैन, मैं बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से। अरे जा भी अब जा। नहीं नहीं, भाई जा रहा है, वहाँ गोलियां चल रही है, वहाँ गोलियां चल रही है। गोली ये सीन था। अच्छा, ये हम लोग करते थे। सिंह प्रा तो मर गए, पानी में भी थूक के चले। फरा मैम, सारी भाई, यहाँ पे हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, हमारे शो का रवायत है आपको पता ही है। हाँ। तो ये इसीलिए आते हैं ताकि ये गंदा डांस करके जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, वो इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने चहेते स्टार्स के साथ बातें कर सके। तो आप में से जिस जिसके मन में जो जो सवाल है, आप फरा मैम से, साजिद सर से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? हाय कपिल, हाय साजिद, हाय फरा। अभी आपकी इतनी खूबसूरत चीजें हम देख रहे थे, किस तरह का भाई बहन का प्यार है, बहुत ही मजा आ रहा था। ये तो समझ में आ गया कि साजिद आप फरा को लेके काफी प्रोटेक्टिव हैं। तो फरा के जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, आपने ज्यादा नहीं थे, उसमें से दो मर गए, एक अंधा है। और फाइनली फिर उनके हस्बैंड मिस्टर शिरीष कुंद्रा। My condolences are with him. उनको आपने अप्रूव किया, अब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैं अपने वेट का वेट कर रहा हूँ। जब मेरा वेट कम होगा, आई थिंक लूज वेट गेट अ डेट, आई थिंक दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस वक्त मैं प्यार करता हूँ सिर्फ खाने से। आई लव। तो फिर रात के 8 बजे देखना ना भूलिए। नहीं भूलूंगा। और
देखने के बाद आप सबको कपिल की फिल्म देखनी है। हाँ, अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया। वो कपड़े भले सफेद पहनते लेकिन फिल्म इतनी कलरफुल है, आपको बहुत पसंद आएगी, आप जरूर जाइए। बिल्कुल मेरे शो जैसी फारा की दावत, जरूर आइए। जी मैं अपना नाम तो बताया नहीं आपने। अंकिता। अंकिता कहाँ से आई आप? मैं बॉम्बे से ही हूँ। बॉम्बे से ही है जी। तो किसके साथ आई आप यहाँ पे? अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ? मैं कहता था ना फैमिली शो है। शुक्रिया अंकिता, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप क्यों पूछना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं? माइक ले लीजिए। आप इनके साथ आए? इनके साथ आए? यस सर। तो गुरु जयपुर से आए, तोतापुर से आए? क्या नाम है इनका? कैप्सिकम। जी हेलो सर। हेलो एवरीवन। आप खुश हैं कि हैरान हैं? ऐसे एक्सप्रेशन है उनके। जी सर, मेरा सवाल फरहा मैम से है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, सारी पिक्चरें मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे। आप कोरियोग्राफी भी करती हैं और आपके बड़े 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 फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स भी हैं, जैसे सलमान सर, कपिल सर, साजिद सर। तो मैम, अगर इन लोगों की शादी हुई और उसमें संगीत का प्रोग्राम हुआ तो किस गाने पर आप कोरियोग्राफ करना चाहेंगे? सबकी शादी साथ में हुई तो गाना होना चाहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं, क्या बात है, बड़ा वाहियात सवाल पूछा है। तू इधर आ, मैं बताती हूँ कौन से गाने पे हम डांस करेंगे। ला भाई क्या ब्रू। आप अपनी खुद की शादी पे डांस करेंगे? बिल्कुल। हाँ, मौत आपका माइक माइक मौत का नाच करेगा। मौत का नाच कैसे करेंगे? मौत का नाच बताइए। हाँ, मैं गाना गाऊंगा, ये मौत का नाच करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, करो करो करो। रेडी? बोले चूड़ियां बोले कंगना, मौत का नाच, मौत का नाच, मौत का नाच, मौत का नाच। मेरी शादी हो गई, मैं बर्बाद हो गया। एक गुलाटी तो बनती है, एक गुलाटी बनती है, नहीं बनती है, मौत के नाच में एक गुलाटी बनती है। मौत का नाच गुलाटी। अच्छा, इनकी गुलाटी भी सीधी नहीं आई, साइड में आई है शादी के नाम पे। चलो भाई, आपकी शादी अभी हुई तो नहीं ना? माइक ले लीजिए। ऐसा डांस आपकी शादी पे करेंगे तो लड़की सिर्फ एक ही शब्द बोलेगी आपको, तलाक। तलाक नहीं, अभी जब शादी से पहले डांस हो रहा है ना तो फेरे चल रहे होंगे, लड़की ने देखना इसके अच्छा डांस नहीं किया, तीसरे फेर में हवन कुंड में फेंक दिया। नहीं उधर, आप बड़े क्यूट थे आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फरहा मैम, एक सवाल मेरे मन में भी है। आप इतनी जल्दी वेट कैसे लूज कर रही हैं आजकल? अरे एक ट्रेनर है हमारा, योगेश भतेजा। कहाँ है? वहाँ है। अरे मेरे वाला ही? अरे तेरा भी है। आपका भी इसी ने कम कराया? देखो हम दोनों कितने पतले हो गए, हम दोनों को एक मिला के ये हो गया है। जी और कोई हमारे दोस्त जो फरहा से, साजिद से बात करना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम विपिन है। विपिन। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर। हेलो सिद्धू सर। अरे तू अभी सबको हेलो बोलेगा क्या? ठीक है, नहीं बोलता। तो मैम मैंने बस आपसे ही बात करनी है वैसे तो। तो हम लोग सब लोग जाए? नहीं सब लोग, सब लोग। सर आपसे थोड़ा मैं डर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं मैम को थोड़ा सा लाइक करता हूँ। लाइक करता है यार मैम? इस आदमी की मूर्ति बनाने चाहिए। कौन है तू यार? मैम मैंने आपकी फर्स्ट मूवी देखी थी जिसमें आप मैं हूँ ना, मैं आप ऐसे जब बोर्ड लेकर आते हैं, अभी मैं आपका मतलब फैन हो गया था। एंड मैंने आपके लिए गाना भी लिखा है बहुत प्यारा सा। ये किसने इसको प्रैंक करने वाला? नहीं अच्छा है, गाना कर रहा है। तो मौत का गाना, गिटार वगैरह लेकर आऊं? मैं गिटार वगैरह पे गाना गाने। अरे अच्छा, अरे प्लीज प्लीज, बिल्कुल, थैंक यू जी। आ जाओ ऊपर आ जाओ। हां जी, तो विपिन आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख।
क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान, जिंदगी भर तुझको खुश में रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। तो यूं तो कर। हाँ सुबह जल्दी उठ के मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगा, वो फैन मट्ठी नहीं खाएगी तो मैं ब्रेड बटर लाऊंगा, हाँ ठंडे पानी से जो ना नहाएगी तो गीजर लगवाऊंगा, हाँ लगवाऊंगा, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। तो मैं आपको रिप्लाई करना चाहूंगा इसी गाने के ऊपर। प्लीज मुझे भी एक रिप्लाई देना है उसको। Yes. प्लीज गिव मी। मुझे इस आदमी को म्यूजियम में ले जाना है। अर्ज क्या है? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ये सब करते तुझे शर्म ना आई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, इतनी बड़ी लिरिक बोले ये क्या सुनाई। लोग क्या कहेंगे और मेरे तीन बच्चे किसके घर में रहेंगे। थैंक यू विपिन। ये गाना किसने लिखा? बहुत अच्छा गाना लिखा। आई थिंक 100% फारा की नेक्स्ट पिच में तू ही गाने लिख। आई थिंक अब्बास मस्तान जी की फिल्म में ये गाना तुम्हें डालना चाहिए। अब्बास मस्तान की फिल्म की खास बात क्या? There are four songs and four are mind blowing. Thank you, Vipin. जब तुम मेरे शो में आओगे खाना बनाने तब वो गाना गाना। अरे चलो यार तुम दोनों। जी और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हो? जी मैम। कपिल जी, आई एम फ्रॉम कराची। कराची पाकिस्तान। जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस शो, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर तो है ही, वो तो आप सबको मालूम है, लेकिन आई एम अ टीवी प्रोड्यूसर माई सेल्फ। ओके। एंड इट गिव्स मी सो मच प्लेजर टू सी दैट आप और आपकी एंटायर टीम इतने अरसे से ये प्रोग्राम कंसिस्टेंटली हिट शोज बना रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट योर एंटायर टीम। थैंक यू मैम। अच्छा एक बात की मुझे बड़ी खुशी है, कराची में भी सेम ही इंग्लिश बोलते हैं ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। कपिल तूने कुछ काम करना था ना मेरा? क्या मेरा? हजार फायदे, हजार फायदे शादी के बताने थे ना साजिद को। शादी क्यों नहीं करते साजिद भाई आप? ढंग की कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। अरे इतनी लड़कियां यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए आप। आज आपके पास मौका है, बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है साजिद खान, जो जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। हम स्वयंवर करना चाहते हैं यहाँ पे। कोई अपना हाथ नहीं खड़ा करेगा। हैंड्स अप। कोई अपना हाथ नहीं खड़ा करेगा। हैंड्स अप बोल रही हूं तो फिर क्यों हाथ खड़े कर रहे हो? बंदूक की नोक पे आज मैं यहाँ पे शादी करूंगी और इंट्रोडक्शन भी दूंगी। गुत्थी गुत्थी बंदूक बंदूक गोली गोली साजिद साजिद कपिल कपिल सिद्धू जी ऑडियंस ऑडियंस ये इसके अंदर मैगजीन मैगजीन अखबार अखबार गोली ठा। गुत्थी ये बंदूक लेके हाथ में क्या करके रही तू? मैं सिलाई कढ़ाई कर रही हूँ। इतने बड़े शो के होस्ट हो, ये नहीं मालूम कि बंदूक लेके क्या करते हैं? अरे इससे इंसान की जान भी ले सकते हैं। पता तुमको? जब तुम्हें प्रोसीजर पता तो गोली क्यों नहीं मारती अपने भेजे में? क्यों दिमाग खराब कर रही हमारा? अच्छा। हमारे गेस्ट आए हो यहाँ पे, फालतू की बातें कर रही तू? मुझे पता है हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं और इनकी मैंने वेलकम के लिए एक स्पीच भी तैयार की हुई है। इफ यू अलाउ मी कैन आई स्पीच? प्लीज स्पीच प्लीज। गुड डेज ऑफ इंग्लिश आर बैंक्ड। Good evening, everyone.
we welcome our chief guest from the film industry in our beloved show named Comedy Night with Kapil. On behalf of respected Sidhu ji, Kapil ji, audience ji, Sofa ji, Door ji, and 3G Wi-Fi, I present the welcome song in English language. We are the children of the God. We are children of the God. Our brothers are different, but we respect our elders. We will, we did, we do, we will, always, forever. Wow. Guti, हो गया तेरा, चल निकल. ऐसे कैसे निकल, मैं यहाँ पे साजिद खान से शादी करने के लिए आई हूँ. अरे लास्ट टाइम मैं आई थी, मैं कहा था ना स्वयंवर करूंगी. बस जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं ना दूध का ग्लास गर्म करके रख छोड़ा हुआ यहाँ. तो इससे पहले वो ठंडा हो जाए, मुझे दोबारा गर्म होता ही नहीं है वो. प्लीज आप जल्दी से हमको आशीर्वाद दे दीजिए, डन कर दीजिए केस हमारा. ये तू ढूंढ के लाया मेरे भाई के लिए? मेरी तो आई, अपने आप आ गई, गेट खुला देखा है जैसे. मेरी माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, मुझे अकेला. प्लीज मुझे वहां मत बोलिए, रिश्ता मत चेंज करिए. मैं आपको मन में पति मान चुकी हूँ, हमारे पति पत्नी का रिश्ता हो चुका है, और आप इसको चेंज मत करिए. बल्कि मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं. लड़की हुई तो नाम रखेंगे कुछ गर्लिश, बॉय हुआ तो कुछ बॉयश. और शादी नहीं हुई, यही होगा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश. प्यारी बहन नाजों से पली. मैं भी लंदन आ गई दीदी. आ गई, ये मेरी बहुत ज्यादा बहन है. साजिद जी, मैं जानती थी कि यहाँ पर आपका स्वयंवर चल रहा है, तो देखिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई. क्या जमाना आ गया, भैंसे घर घर जाके दूध बेच रही है. माननीय बिट्टू शर्मा जी, मैं ये बात भली भांति जानती हूँ कि आप एक बहुत बड़े चैनल पे बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ एक बहुत बड़ा शो करते हैं. इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मेरे और इनकी बातों के बीच में आप इस तरह विघ्न डालेंगे. अलग, यहाँ साजिद का स्वयंवर चल रहा है, हिंदी महोत्सव नहीं चल रहा. इतने टिपिकल हिंदी क्यों बोल रही है तू? नहीं, मैं क्या है कि इंडिया से इतनी दूर लंदन आप लोगों से मिलने आई, सोचा आप लोग क्या क्या लेकर आऊं, इसलिए मैं हिंदी लेकर आ गई. ऐसे भी मेरा मानना है किसी को अपने रूट्स भूलने नहीं चाहिए, चाहे मैं कितनी भी जाड़ी हो जाऊं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी. हो जाड़ी जड़े कैसे मिक्स कर दिया तूने, अच्छी मेरी स्वीट बहन. वैसे साजिद जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक शेर लिख दिया है. शेर मैं अर्ज कर दूं? हाथों को अर्ज किया है. भूखे नंगे बच्चे के सामने अगर बर्गर आ जाए तो वो पहले खाएगा फिर नहाएगा. भूखे नंगे बच्चे के आगे अगर बर्गर आ जाए तो वो पहले खाएगा फिर नहाएगा. वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा. वाह, हुजूर हुजूर हुजूर, क्या शेर था ये. शेर इसको नहीं खा गया वो ही बात. देखिए, अगर मेरे ख्याल से आप अकेले में जाके हमें थोड़ी गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, वरना क्या है कि ऐसा ना हो कि विवाह के उपरांत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए. कुछ नहीं होना चाहिए. भाई सारी बातें तू हिंदी में बोली थी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोलना हिंदी में फिर. मिसअंडरस्टैंडिंग, कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है. मिसअंडरस्टैंडिंग. पता चला मेरी बहन की आईक्यू. तो खैर, अब हम शादी की बात कर ले. हाँ हाँ कर ले. अब बड़ी बहन की शादी की बात तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, पागल कर ले. पापा भी नहीं है यहाँ पे भी. कर ले दीदी, मैं आपकी शादी की बात नहीं कर रही हूँ. अच्छा, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ. अच्छा, अपनी शादी की बात कर रही है. ओके ओके ओके, पलक तो मेरे को बहुत याद आएगी. दीदी दीदी, बहुत तुम मिस करूंगी मेरी बहन. दीदी, मेरे और साजिद के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो समझती है इस बात को. साजिद और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता नलायको. साजिद का स्वयंवर होगा पर सिर्फ मेरे साथ. तेरा दिमाग खराब हुआ, तू आई कैसे है? तू स्वयंवर में आई कैसे? प्लॉट पे कब्जा करने आई थी तू. साजिद का तेरे साथ शादी क्यों करेगा? I mind your tooty-footy language. Sajid ji, आज
तो हम शादी करके रहेंगे। चलिए कर दीजिए शादी। शादी करके रहोगे? ठीक है, मुझे ना आशीर्वाद दे दीजिए मम्मी जी। बुआ ये क्या मजाक है यार, तेरा दिमाग खराब है? तेरे टाइम पे शादी होती ना, अरे बोमन ईरानी जी तरह बच्चा होता तेरा। मम्मी बोल रहे हैं बीच क्यों? That's good, good one. ओए होए, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। This is too much. Too much. दीजिए ना आशीर्वाद, दीजिए ना। दी रहो, दूधो नाओ, फलो कूदो। ओए होए, आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। चलिए चलिए अब सुहागरात मना रहे हैं। अरे दिमाग खराब, पहले फेरे होते हैं पागल। इस उम्र में भी फेरे होते हैं। इनसे इस उम्र में कुछ नहीं होगा। मैं फिट हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए ना। मैं करूंगी शादी, मैं करूंगी। देखो ये तुम तीनों आपस में लड़ाई मत करो, तुम तीनों में कंपटीशन करवाते हैं। जो बेस्ट हुआ उसको पहले गोली मारेंगे। मेरा भाई क्या है यार, मतलब एक ही बचा है, मैं कराऊंगी टेस्ट। ठीक है आप करवा लीजिए। पहले होगा फिजिकल राउंड। मैं जीत गई। कैसे? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तू जीत कैसे गई मोटी? अरे फिजिकल राउंड तो मैं ही हूं ना। ऑब्वियसली पागल, मुझे ही समझाना पड़ेगा तेरे को सारी बात। फिजिकल राउंड से मैम का मतलब है फिजिकल फिटनेस। उसके मतलब जैसे कि बैठ यहाँ पे, मैं तेरे को बताती हूँ। बैठ, देख, जैसे पैर को सिर पे लगाना, ऐसे इतना स्ट्रेचिंग वर्चिंग करके, जैसे पैर को सिर पे लगा के दिखा देती हूँ मैं, ठीक है? देख ऐसे कर। आपकी बारी, अभी आपकी बारी। लो जी मेरी क्या बारी? सिद्धू जी, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, शादी से पहले फिजिकल राउंड नहीं कर सकती। क्या बात है? अरे वो फिटनेस, मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा फिजिकल टेस्ट, मैं दूंगी। फिटनेस टेस्ट हो जाए, अभी हो जाएगा, मैं हो जाएगा। हट जा, हट जा, हट जा। मैं रेडी हूँ। उठा पागल। अरे पिट्टू, ये किस टाइप की शादी है? मेरे घुटने में मोच आ गई। देखिए मेरे पांव फंस गए। इस उम्र में आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मोच मोच तो आती रहेगी ना इस उम्र में, आप आराम कीजिए। उम्र का क्या? मैं बागबान और अवतार फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर। बुआ तू रिटायर हो चुकी है, तू जाके कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाके जा। सिद्धू जी, दुखी दिलों का सिर्फ एक ही सहारा है, क्या? और वो आप हो। बचे हैं सिर्फ दो कैंडिडेट। बचे तो एक्चुअली छह ही हैं ऑलमोस्ट। हाथ तेरी तरफ है। तूने मुझे बहुत तंग किया है साजिद, अब तो तेरी शादी इनमें से एक से करवा कर ही रहूंगी मैं। वो मैं हूँ नहीं, वो जाहिर सी बात है मैं हूँ। अब एक ही मतलब, जब कोई समझ में नहीं आता, शादी की बात है, गंभीर टॉपिक है, इट्स इम्पोर्टेंट जी, एक वे में ही सॉल्व कर सकते हैं हम। हाँ जी, कैसे? म्यूजिकल चेयर्स। ये गेम तो मैं बचपन में खेला करती थी, वही गेम है ना जिसमें एंड में चेयर को खा जाते हैं। म्यूजिकल चेयर, ऐसे साजिद म्यूजिकल चेयर पे बैठे रहेंगे तो आपने म्यूजिक बजेगा, जैसे म्यूजिक बंद हुआ आपने फटाफट गोल में बैठ जाना है। कैन वी हैव द चेयर? ओके, ये वाली चेयर ले लो। ओके, हाँ, ये वाली चेयर ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि ये सोफा घसीटने में इतनी मेहनत क्यों है। सोफा फिक्स था जमीन में। गुड। साजिद सिद्ध है।
ओके बैठ जाइए आप, हम आपको थोड़ा सा एक शगुन के तौर पे बांध देते हैं कि यहाँ भाग ना जाए। ये आप रस्सी बांध रहे हो कि पजामे का नाड़ा? पजामे का नाड़ा इतना मोटा नहीं हो सकता। इनका पजामा देखा है? साजिद ये पूरा घर पागल है यार, चल तू मेरे साथ। बैठी बैठी हमको लगा कि हमारा खानदान पागल है, यहाँ तो सबके सब पागल हैं। हमारे गेस्ट ने आने जाते हैं। अरे गुत्थी पलक, तुम्हारी वजह से मेरे गेस्ट भागे हैं। तू साली नहीं बन सकती थी, तू दोनों मर नहीं सकती थी। बाहर जाके देखो, जीजा का जूते चुराने का मौका मिलता, बाहर जाके मरते तुम। ये पूरा पेड़ चाहिए मैं जूते का, क्या करूं? सुनिए साजिद जी, बदतमीज मेरे गेस्ट भगा दिए। अरे सॉरी साजिद भाई, मेरे को सॉरी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे रिश्ता मंजूर है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फरहान और साजिद के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और इतना मजा आया सब लोगों को, आया कि नहीं आया? तो तालियां हो जाए फिर एक बार जरा। और फरहान मैम आपका शो बहुत अच्छा, आप जो भी करती हैं कमाल करती हैं। थैंक यू कपिल, और आपकी फिल्म भी या अच्छा देखना ना भूलें, बास मस्तान द्वारा निर्देशित। अच्छा एनीवे, और मुझे भाभी भी मिल गई यार इस शो में। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं सिद्धू पाजी। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप अपने शो में खाना बनाएंगी खुद मत खाइएगा, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से वेट लूज किया। हाँ, वो तो है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य की आने वाली फिल्मों के लिए। थैंक आपके you. भी और आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई जरूर रखें, और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स सिर्फ रविवार को रात 10 बजे।